अब यहां पर ये तो खुला पात्र है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूं क्या बोलना चाह रहा है वो, कि हमारे पास एक खुला पात्र है जिसमें वायु प्रेजेंट है। जब भी बच्चों एक बात को ध्यान में रखिएगा कि पात्र खुला है तो उस पात्र जो खुला पात्र है उसके अंदर जो भी गैस मौजूद होगी उस गैस का जो दाब है वो उतना ही माना जाएगा जितना वायुमंडलीय दाब है। इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो दाब है वो कांस्टेंट रखा जाएगा, और जब दाब कांस्टेंट होगा तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहां पर हमें चार्ल्स का नियम लगाना है। चार्ल्स का नियम लगाना है या कोई और तरीके से आपको करना हो वो आपको डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, वो उस बात पर डिपेंड करता है। यहां पर एक और बात लिखी हुई है, यहां पर नोट करिएगा। माने कि पात्र का आयतन स्थिर है, पात्र के आयतन को लेकर बात कर रहा है, वो गैस के आयतन को लेकर बात नहीं कर रहा है। प्लीज सारे बच्चे इस बात को समझिएगा। तो अब यहां पर एक खुला पात्र है, उसमें वायु है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु है, और अब आपने उसको गर्म करना शुरू किया। ये आपका पात्र है और इस पात्र के अंदर वायु है। ये आपके सामने वायु के कण हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर था, मतलब मैं बोलूंगा इनिशियल टेम्परेचर इट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है। अब आपने इसको गर्म किया, तो जब आप गर्म करना शुरू करोगे और तब तक गर्म कर रहे हो जब तक कि इसमें मौजूद ये आपने गर्म करना शुरू किया और तब तक आप इसको गर्म कर रहे हो जब तक कि इसमें मौजूद जो वायु है उसका 3/5 भाग बाहर नहीं आ जाता, 3/5 ऑफ द एयर इनिशियली प्रेजेंट इज एस्केप्ड आउट और एक्सपेल्ड आउट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ने लगेगा जो गैस है वो गैस फैलने लगेगी, वो गैस एक्सपांड करने लगेगी, और जब गैस एक्सपांड करने लगेगी तो उसमें से कुछ हवा बाहर निकल गई और आपने देखा कि 3/5 भाग हवा का बाहर आ गया है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि किस ताप तक आपने उसको गर्म किया था, राइट, यू हैव टू प्रिडिक्ट द टेम्परेचर इन द डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, जो अंतिम ताप है उस अंतिम ताप का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब समझिएगा बच्चों, आप सभी यहां पर बैठे हुए आदर्श गैस इक्वेशन के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम आगे इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, इसी जो एकक है इसमें हम चर्चा करेंगे। एक आदर्श गैस इक्वेशन होती है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सारे बच्चे ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, कैसे करना है आपको। यह हमारी आदर्श गैस इक्वेशन है, मतलब वो इक्वेशन, वो समीकरण जो सारी आदर्श गैसेस ओबे करती है, राइट, ये हमारी इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहां पर जो वायु है जो फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर जो वायु है उसका दाब कांस्टेंट है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि पात्र आपका खुला है और क्योंकि खुला पात्र है इसीलिए दाब जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि सर यह क्या मतलब इस चीज का, व्हाट दिस मीन, कि जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जो पात्र है उस पात्र का आयतन स्थिर है, यहां पर लिखा हुआ है, इस चीज का क्या मतलब है। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली जो फ्लास्क होता है वो ग्लास का बनता है, कांच का बनता है, और कांच जो है वो तापमान बढ़ाने के साथ साथ फैलता है। तो यहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो हमारा कांच है
वो उस सिलिका से बना है, उस पदार्थ से बना है, उस सब्सटेंस से बना है, राइट, जिसका ताप के बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब उसके आयतन के ऊपर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह आपको मानना पड़ेगा। मतलब जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के अपने आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मेहरबानी करकर आप ये मत मान लीजिएगा कि जो वायु है वो वायु का आयतन फिक्स है। वायु तो एक्सपांड कर रही है, अगर वायु का एक्सपांशन नहीं होता, अगर वायु नहीं फैलती, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर हवा बाहर कैसे निकलती। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्रश्न में आपको दे रखा है कि 3/5 मात्रा में जो हवा है, राइट, वो बाहर निकल गई। तो जो फ्लास्क है वो जिस धातु, जिस सब्सटेंस का बना हुआ है, बराबर है, कांच का होता है, बेसिकली आप कांच का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कांच है वो कांच बेसिक तापमान के साथ वो एक्सपांशन होता है, थर्मल एक्सपांशन होता है उसमें, बराबर। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, बराबर है, वो जीरो है। मतलब किसी भी तरीके से एक्सपांशन से, टेम्परेचर के बढ़ाने से, राइट, जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के आयतन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम, जो आयतन है वो फिक्स है, राइट। अब जो चर है यहां पर, वो चर है नंबर ऑफ मोल्स, और तापमान आर भी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एन टी इज इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन आर, और ये पी वी अपॉन आर जो है, राइट, वो कांस्टेंट है, राइट, वो मेरा स्थिरांक है, वो आपका स्थिरांक हो गया। समझ गए होंगे मेरी बात को। प्रेशर कांस्टेंट है, फ्लास्क का वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी गैस का कांस्टेंट है, राइट, गैसी स्थिरांक है। इसका मतलब यह है कि आर की वैल्यू में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना है। इसका मतलब एनटी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स में परिवर्तन आ रहा है। जो वायु है वो वायु के कुछ कण बाहर निकल रहे हैं, और वायु के कुछ कण बाहर जाने की वजह से, राइट, एन में परिवर्तन आ रहा है, और ऑब्वियसली आप तापमान को परिवर्तित कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी आपका वेरिएबल है, वो भी आपका चर है, राइट। इसका मतलब हम बोलेंगे एनटी कांस्टेंट है। इट मींस मैं बोलूंगा N1T1 is equal to N2T2, राइट। बात को समझिएगा यहां पर, किस तरीके से आपको करना है, इस पर्टिकुलर प्रश्न को आप कैसे डील करेंगे। N1T1 is equal to N2T2। अब N1 क्या है? N1 से मतलब यह है कि जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के अंदर जो वायु है, राइट, उस वायु के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, और N2 मतलब जब अंतिम ताप पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वायु के वो कितने मौजूद है, राइट। मतलब पूरी तरीके से अब हम फ्लास्क के अंदर बात कर रहे हैं, जो आपके सामने ये फ्लास्क बना हुआ है, राइट, अब हम पूरी तरीके से फ्लास्क के अंदर बात कर रहे हैं। N1, फिर से मैं रिपीट कर दूं, N1 वह मोलों की संख्या है, वायु के वह मोलों की संख्या है जो इनिशियली मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात 300 केल्विन के ऊपर, राइट, ये जो फ्लास्क है इस फ्लास्क के अंदर मौजूद है। और N2 मतलब है कि जब आपने उसको गर्म कर दिया एक सर्टेन ताप तक, हम कितने ताप तक गर्म किया है यह हमें नहीं पता है, वो हमारे को कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब यहां पर क्या करना है, N2 मतलब हुआ कि वायु के वह मोल जो टेम्परेचर T2 के ऊपर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा बच्चों, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हम बहुत कम जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बेसिकली जो तापमान होता है वो केल्विन में लेना होता है, कभी भी भूल से डिग्री सेंटीग्रेड में ना लीजिएगा। तो अब N1T1 is equal to N2T2। अभी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो मेरा फ्लास्क है उस फ्लास्क के अंदर मान लीजिए N मोल उपस्थित हैं, जो वायु है उस वायु के इस फ्लास्क के अंदर मान लो N मोल उपस्थित हैं। इसका मतलब मैं बोलूंगा N into initial ताप है 300 is equal to। क्वेश्चन में आपको यह दे रखा है कि 3/5 वायु का निकल जाता है। इसका मतलब कि अब जो मेरा फ्लास्क है, जो मेरा पात्र है, उस पात्र के अंदर 2N/5 भाग निकल गया,
तो जब 3/5 भाग निकल गया तो अब मैं N2 की गणना करूंगा, मतलब N2 मेरा आएगा इट इज इक्वल टू N माइनस 3N/5। चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 3/5 भाग 3/5 भाग वायु का बाहर निकल चुका है। तो अब जो मेरा फ्लास्क है उस फ्लास्क के अंदर कितने मोल बच चुके हैं यह मैं पता कर रहा हूं, और इसको अगर आप गणना करोगे तो यह कैलकुलेट करने पर मिलेगा आपको इट इज 2N/5। इतने मोल फ्लास्क में बच चुके हैं, तो यह जो 2N/5 है जो मेरा N2 का मान है, यह N2 के मान को मैं यहां पर पुट करूंगा, इट मींस ये हो जाएगा 2N/5 इंटू टेम्परेचर T2। आपको कैलकुलेट करना है, ये N से ये N कैलकुलेट हो जाए, कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस T2 इज इक्वल टू 5 × 3 = 15, 1500/2, राइट, दैट इज इक्वल टू 750 केल्विन। T2 इज इक्वल टू 750 केल्विन। इसका मतलब ये जो फ्लास्क है आपके सामने, इस फ्लास्क को आपने 750 केल्विन तक गर्म करना पड़ा, राइट, या गर्म करना पड़ेगा ताकि 3/5 भाग जो हवा है, वायु है, उसका बाहर नहीं आ जाता, राइट। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो तापमान पूछा जा रहा है आपसे, जो तापमान आपसे पूछा जा रहा है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, तो टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के लिए ये जो आपने तापमान निकाला है इसमें -273 करेंगे, इट मींस T2 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 750 -273 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी मात्रा प्राप्त होगी वो मैं बता देता हूं आपको, और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये प्राप्त होगा 477 डिग्री सेंटीग्रेड, 477 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको लास्ट